विदेश रे रतिया बबूल भैया को दी मेल तो मेल भैया को दे ससुर कहती है, सास कहती तू पराई है और यहाँ सब कहते हैं मैं पराई, मैं किसकी हूँ? जो बाप जिंदगी भर नहीं रोता ना, ध्यान रखना बेटी शक्ति का स्वरूप है। बेटी हाँ, वो भाग भाग के काम करता है, भागता है ये टेंट वो टेंट ये टेंट, लेकिन जब बेटी विदा होती है तो किसी कोने में खड़ा हुआ रोता है। टेंट वाला आता है, साफ कर दो, बोले भैया मुझ में शक्ति नहीं रही। क्या नहीं रही? शक्ति नहीं रही, मेरी शक्ति चली गई, मेरी वो लाडली मुझे छोड़कर चली, अब वो शक्ति नहीं है मुझ में। वो जिंदगी भर नहीं रोता पर वो उस दिन किसी कोने में खड़ा हुआ जरूर रोता है। आज मेरी शक्ति मुझे कोई नहीं मेरे पास। माँ कहती अरे ढांढस बांधो, तुम रो रहे हो। बोले जोन सी गुड़िया मैंने पाली थी ना, आज वो बड़ी हो गई है, वो मुझे छोड़कर चली गई। हम तो बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया, हम तो बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया, हम तो बाबुल तेरे पिंजरे की चिड़िया, हम तो बाबुल तेरे पिंजरे की कर्ज ले लूंगा, मेरी मेरी बेटी को कोई कभी मत छोड़ देना। जब सास गाली देती है ना, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो कहती है माता जी तुम सबको सब कुछ कहो पर मेरे बाबूजी को मत कहो, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे विवाह में मेरे बाबूजी ने कितना कर्ज ले रखा, उनकी हड्डी हड्डी बिंदी हुई कर्ज में।
तुम जानती नहीं हो, मैं अपने बाप के दुख को जानती हूँ। उसने इतने कितने कर्जों से हमें पाला। तुम सबको गाली दो, मेरे पिता और माँ को गाली मत दो, मेरे भैया को गाली मत दो। वो रोती है, कोई सुनता नहीं उसकी चीख। तारो भरी गुड़िया जो मैंने छोड़ी, पराई हो जाए। अगले दिन जब सुबह होती है ना, तो बाथरूम में ऐसे ही घुस जाता है। अरे बेटा, अरे बिट्टो, तूने मेरी तौलिया नहीं रखी। माँ पीछे से आके कहती है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। अरे वो पराई हो गई, अब कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं। कभी चोट लगती थी, जैसे ही बाबूजी बाहर से आते थे, जैसे बाबूजी बाहर से आते थे, वो सबसे पहले गिलास का, दूध का गिलास लेके, पानी का गिलास लेके भागती थी। बाबूजी के पैर में चोट लग जाती थी। बेटा कहता था, देख के नहीं चला जाता, अंधे हो गए हो। पर वो बेटी सबसे पहले मरहम लगाती थी अपने पिता के पैर से। बाबूजी तुम चिंता मत करना। और जब वो पराए घर जाती है, तो उसको रात दिन ताने दिए जाते हैं। वो अपने बाप से एक बार भी नहीं कहती कि मुझे ऐसा सताया जा रहा है, नहीं कहती वो। डोली का पर्दा उठा कर देखा, डोली का पर्दा उठा कर के देखा, कहां गया बाप देश रे, ओ लखिया बाप तेरे, कहां गया वो देश रे, ओ लखिया बाप तेरे। जब पहली रोटी बनती थी, तो माँ कहती थी, गुड़िया तू खा ले। और ससुराल में जब से गई है, पूरे परिवार को रोटी बना के खिलाती है। अंत में भी रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं है। वो बाप का प्यार, वो माँ की ममता, वो भाई जो चुटिया पकड़ के पीछे से भाग जाता था, वो किसी कोने में खड़ा हुआ, दो लोग सबसे अधिक रोते हैं। एक तो भाई रोता है, दूसरा बेटी का पिता रोया करता है। ओ तू क्यों बोले काली कोयलिया, लखिया
जब बैठती है पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, बाबूजी मेरा क्या अपराध था, मैं इतनी भारी थी ना, नमक की रोटी खा लेती पर अपने हृदय से तो लगा के तुम मुझ किसकी मैं कौन कौन हूँ मैं। और जब जाती है सबसे पहले फोन करती है, माँ बाबूजी कैसे हैं, वो कहती ठीक है, पर पता लगा बाबूजी बेटी की विदाई के बाद उठे ही नहीं, उस दिन से बिस्तर पे ही पड़े। देखिए रोना नहीं देखी देवी, इसलिए मैंने तुम्हें विदाई नहीं सुनाई है, मैं जानता हूँ तुम्हारी पीड़ाओं को, मेरी विदाई सुनना माताएं बेहोश हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको कोई विदाई नहीं सुनाई। सकती थी मैं चाचा ताऊ सबकी दुलारी थी, ऐसी ना थी मेरी मैकी की गलियां, ऐसी ना थी मेरी मैके की गलियां, जैसे पिया का देसरे लगिया बाबू मोरी, आए बिहाई पर पांच दिन भी रोटी ना खा तो कोई पूछने वाला नहीं, तूने रोटी खाई कि ना खाई, पर बाबूजी तो अरे मेरी लाडो ने रोटी खाई, ध्यान रखना बेटी काल को हरती है, पंडित काल को हरता है, बैल काल को हरती है, गाय काल को हरती है, ये चार चीज काल को हरती है। जिसके पिता की आयु कम हो अगर बेटी के साथ भोजन करने लगे आयु बढ़ जाती है, ये काल करने कृष्ण गौर कहे सुन रे बाबू, कृष्ण गौर कहे सुन रे बाबू, बेटी सुख सुख जाना आई